रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ और अजीत आगरकर से चर्चा की। इस चर्चा का एजेंडा था T20 वर्ल्ड कप। ये वाली खबरें आप सभी ने पढ़ी ही होंगी। इस पर खूब चर्चा चल रही है। इनके हवाले से कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे। इसके अलावा भी तमाम चर्चाएं चल रही थी, लेकिन रोहित ने ऐसी चर्चाओं पर झटके से ब्रेक लगा दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मीटिंग की इन खबरों को ही फेक बता दिया है। रोहित ने मौज लेते हुए कहा कि अजीत आगरकर दुबई में गोल्फ खेल रहे हैं, जबकि राहुल द्रविड़ अपने बेटों के साथ काम कर रही हैं। रोहित के मुताबिक राहुल मुंबई में लाल मिट्टी के पिच पर अपने बेटों को ट्रेन कर रही हैं। रोहित ने एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, मैं किसी से नहीं मिला। अजीत आगरकर दुबई में कहीं गोल्फ खेल रहे हैं, राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में अपने बच्चों को खेलते देख रहे हैं। वो मुंबई थे, असल में वो मुंबई आए थे अपने बेटे को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में लाल मिट्टी के पिच पर प्रैक्टिस कराने। बस इतनी ही बात है। ईमानदारी से कहूँ तो हम नहीं मिले। आज के वक्त में जब तक आप मुझसे, राहुल या अजीत से या फिर BCCI के किसी बंदे से ऑन कैमरा ना सुने, सारी बातें फेक है। इससे पहले बुधवार 17 अप्रैल को कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि रोहित शर्मा ने अप्रैल महीने में आगरकर और द्रविड़ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सिलेक्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। इन चर्चाओं में हार्दिक पांड्या से ज्यादा बॉलिंग की मांग कराना भी शामिल था। रिपोर्ट्स का दावा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए ओपन करेंगे। इन खबरों के सामने आने के बाद विराट के वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने की खबरें थोड़ी शांत होती दिखी थी। IPL 2024 से पहले दावा था कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, लेकिन IPL 2024 में विराट की फॉर्म को देखते हुए अब ख्याल बदल रहे हैं। विराट इस बरस अकेले RCB के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। वो IPL 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने IPL 2024 की 7 पारियों में 361 रन जोड़े हैं। उन्होंने ये रन 72.20 की एवरेज और 147.34 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। कोहली ने इस सीजन 1 सेंचुरी और 2 पचासे भी जड़े हैं, जबकि रोहित ने 7 पारियों में 297 रन का योगदान दिया है। उनके ये रन 49.50 की एवरेज और 164 की स्ट्राइक रेट से बने हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।